फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स व्लॉग एंड लाइफस्टाइल। आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। अभी बेबो ने बीपी चेक किया तो कम है, इसीलिए मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। तो बेबो ने तेल लगा दिया मेरे सर में, तो उससे काफ़ी आराम मिला। और दीपावली के बाद भी काम ख़त्म नहीं होते हैं, तो जो लाइट थी वो मैं छत से तो उतार लाई थी, तो बेबो ने उसको समेट के सही से रोल करके रखा, क्योंकि बाद में नहीं तो अगर आप सही से नहीं रखो तो उलझ जाता है, तो फिर उसमें सुलझाने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए अच्छे से सुलझा कर बॉक्स में करके रखा, और जो गेट पे लड़ियाँ लगी थी फूलों की वो भी समेट के रखा सब। और दिन में सुबह मैंने नाश्ते में बनाई थी प्याज की और आलू की पकौड़ी, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि जब मैं खड़ी हो रही हूँ, जब मैं पकौड़ी बना रही थी तभी मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी ज़्यादा देर, तो फिर समझ में आया कि खिचड़ी बना देते हैं। और उसके बाद मुझे बनाना है सुमी के लिए लैम्प बनाना है, राजस्थानी लैम्प। मैं बनाना नहीं चाहती थी, मैंने सुमी से कहा था कि अपने आप से बना लो। सुमी एक बना कर भी ले गई थी, लेकिन वो इनकी मैम को समझ में नहीं आया और फिर से बोलेंगी फिर से बना के लाओ। सारे बच्चों का वापस कर दिया क्योंकि उसमें लाइट नहीं लगी थी, समझ में नहीं, वो बनाना नहीं था। उस तरीके का नहीं बनाना था। हाँ। तो अभी मुझे वो बनाना है और आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सुमी ने ये वीडियो ढूँढ के रखा है यूट्यूब से कि मम्मी ऐसे बना दो। तो देखते हैं कि मैं अपना भी कुछ सोचूंगी कि कुछ इजी तरीके से बन जाए, एकदम वैसे ही नहीं बनाऊंगी, देखते हैं कि क्या कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले खिचड़ी बना देते हैं, उसके बाद इनका जो बनाना है वो बनाएंगे। आराम नहीं है। तो ये लैम्प बनकर तैयार हो गया है, बिना लाइट के ये ऐसे दिख रहा है। बेबो लाइट जलाओ ज़रा। और ये मैंने इसमें लाइट जला दी है, तो ये ऐसे लग रहा है। और घुमा के सब तरफ दिखाओ ज़रा, ये देखिए इसके अंदर ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो झालर वाली लाइट होती है जो हम दीपावली में लगाते हैं, वो लाइट मैंने इसके अंदर लगाई है और ये बहुत सुंदर लग रही है। और अब देखिए मैंने लाइट बंद कर दी है, तो ये देखिए इस तरीके का दिखेगा कुछ, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये मैंने बनाया है। क्यों बेबो, अच्छा लग रहा है ना? कमेंट कर बताइएगा, अपना दिमाग लगाया है मैंने। ठीक, बंद कर दो। ये देखिए अब ऐसे लग रहा है। लैम्प शेड बनाते बनाते तो मैं इतना थक गई हूँ, टाइम बहुत लग गया। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने रात का, तो मैं बना रही हूँ एग करी, जल्दी से बन जाए। मेरी हालत आप देख सकते हैं, आज चेहरे से लग रहा होगा कि मैं बीमार हूँ, लेकिन काम तो काम ही है। दिन में मैंने खिचड़ी बनाई थी तो सोचा कि इस समय एग करी बना दूँ, तो चलिए बनाते हैं।
अंडा करी बनकर तैयार हो गई है और बहुत टेस्टी बनी है, मज़ेदार मस्त। और तेल लगा के मेरी हालत चिपकू चिपकू सी हो गई है, इसीलिए मैं तेल नहीं लगाती हूँ। लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा तेल लगाऊंगी तो सर दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने तेल लगा लिया। और कल मैं कुछ शेयर करना है आपसे। कल मैं ऐसे ही वीडियो देख रही थी तो उस सजेस्टेड में वीडियो आ रहा था सौरभ जोशी ब्लॉग का, तो उसमें मैंने देखा कि चार घंटे में 1 मिलियन व्यूज़, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो देखते हैं किसका ब्लॉग चैनल है जो एक नहीं 4 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ किसके आए। तो मैं उनका मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, पहले से कभी नहीं देखा। तो जब मैंने देखा तो यंग लड़का है और उसने कल ब्लॉग डाला था और 4 घंटे में 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे। और जब मैं उनके चैनल पे पहुंची तो मैंने देखा 18 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके, तो मैं देख के दंग रह गई। फिर मैंने उनके पूरे चैनल को देखा और मैंने सोचा कुछ टिप्स मिल जाए कि क्या ऐसा है चैनल में जिससे इतने सब्सक्राइबर हो गए। तो 3 साल का है उनका चैनल, 3 साल पहले स्टार्ट किया था और मुझे लगा कि मैं उनके कुछ वीडियोस देखूं जिससे मुझे भी कुछ आए ऐसा समझ में कि मैं अपने ब्लॉग में उसको डाल सकूं, सीखने को कुछ मिल जाए मुझे। तो अच्छा, ये चीज़ मैंने पहले भी नोटिस की है कि जब आप कोई क्लिप तैयार करते हैं तो उसको बहुत देर तक नहीं दिखाना चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ तो वो तो मुझे दिखानी पड़ेगी, लेकिन जब हम लोग घर का कुछ बना रहे होते हैं तो बहुत देर तक नहीं दिखानी चाहिए, फटाफट से करना चाहिए। और बहुत लंबा ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए, 10 मिनट से ज़्यादा का ब्लॉग नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना 18 मिलियन सब्सक्राइबर 3 साल के अंदर। मेरे तो 2 साल में भी बताते हुए ख़राब लग रहा है कि कितने कम हैं सब्सक्राइबर, लेकिन अच्छा लगा कि एक यंग लड़के के मतलब इतने सब्सक्राइबर हैं और ब्लॉग के इतने सब्सक्राइबर हैं। नहीं तो बहुत सारे वीडियोस तो ऐसे होते हैं जिनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं कुछ, मतलब मजाक वाले चैनल होते हैं जैसे वो कैरी मिनाती का है तो उसमें वो लोग देखते हैं। समरीन का भी है, समरीन अली, हमारी सुमी समरीन अली का वीडियो देखती है, उसको मज़ा आता है, समरीन अली उसकी फेवरेट है। और तो मैंने सोचा शायद मुझे भी कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकूं, तो देख के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मेरा चैनल आगे कब जाएगा चुम्मा? 2 साल बाद। हाय हाय, अभी तो 2 साल हो गए, 2 साल और चाहिए। कभी कभी बड़ा डिप्रेशन सा होने लगता है कि अरे यार अभी इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। चलिए देखते हैं। आप लोग प्लीज़ कितने तक रहा है आपके? मेरे 4000 कुछ हैं। तो 4K से आप 40K? नहीं, 8K कर दीजिए, बस 8K। देखो कब होते हैं 8K। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कितने मिनट का है, पर आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमंस ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपकी आँखें हाथी जैसी लग रही। हाथी जैसी? हाथी जैसी।